तो राज की बात करेंगे आज। आज हम सर्दियों में दही जमाने का आपको ऐसा सीक्रेट तरीका बताएंगे दोस्तों, जिससे आप सर्दियों में बहुत आसानी से एकदम हलवाई जैसी गाढ़ी मलाईदार दही जमा सकते हो और आपका जो दही है वो बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ेगा और दूध भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और एकदम गाढ़ी दही जमेगी और वो भी बस 2 से 3 घंटे में। ये देखिए मैंने दही जमाई है यहाँ पे और कितनी मलाईदार दही हमारी ये जम के तैयार हुई है। तो आज की लाइव वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको दही का रायता वगैरह या फिर दही के साथ कोई भी रेसिपीज बनाना पसंद है तो आप मेरी ये दही की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना दही जमाने में तो आप आज की ये टिप्स को फॉलो कीजिएगा, एकदम गाढ़ी बढ़िया दही बन के तैयार होगी। तो जो पहला स्टेप है ना एकदम बढ़िया दही बनाने का, उसके लिए हमें दूध को खूब अच्छे से उबाल लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने दूध को उबलने को रख दिया था, तो आप कोई सा भी दूध ले सकते हो, दूध के ऊपर नहीं रहता है अच्छी दही जमने का। जो तरीका होता है, जो मेथड आप यूज करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी दही कैसी जमेगी। तो दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं मुझे कमेंट में अपने सिटी का नाम भी बताते रहिएगा। और दही आप सभी को पता है हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है, कैल्शियम, B12 सब कुछ होता है इसमें। तो आप सब मेरे तरीके से, गर्मियों में तो बहुत आसानी से दही जम जाती है पर सर्दियों में दिक्कत होती है थोड़ी, तो आप इस टिप को फॉलो करें, बहुत गाढ़ी अच्छी दही जम के तैयार होगी। तो ये देखिए, ये तो मैंने जमाए थे आपको दिखाई, एकदम गाढ़ी दही जमी है बिल्कुल। और कुछ दही जो अभी आजकल सर्दियों में जमती है ना तो एकदम ढीली जमती है, ये देखिए मैंने जमने को रखा था और ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि कई लोगों को पता नहीं होती टिप्स तो दही अच्छे से जमती नहीं है। सरोज बजाज जुड़ी हैं, हेलो सरोज जी, वेरी नाइस लिख रही हैं, थैंक यू। तो दूध को उबालने के बाद ना इसको हमें गुनगुना ठंडा होने तक कर लेना है। थोड़ा सा गर्मियों में जैसे गुनगुना रखते हैं तो सर्दियों में अगर आप जमा रहे हो तो गुनगुने से थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए दूध, तो आप उंगली डाल सको उतना गर्म होना चाहिए। अब इसको जमाने के लिए ना आपको दही लेनी है, तो आप कौन सी दही यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। कई लोग पैकेट वाली जो दही आती है ना मार्केट में वो दही का यूज करते हैं जिसमें बहुत सारा पानी होता है, अगर आप पानी के साथ दही को डालोगे ना तो दही अच्छी जमती नहीं है। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ। ये देखिए मार्केट वाली दही में ना थोड़ी सी पतली होती है और पानी भी बहुत ज्यादा होता है, और जो घर की दही होती है वो आपको मैं दिखा देती हूँ, काफी गाढ़ी होती है। तो थोड़ा सा हम इसमें से एक कटोरी में ले लेंगे। तो आप गाढ़े जामुन से दही जमाओगे ना तो जामुन के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप जामुन कैसा ले रहे हो दही जमाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच जामुन ले लिया है, इसमें हम ये दूध डाल देंगे। दूध डाल के पहले खूब अच्छे से मिक्स कर लेना होता है, ये देखिए इस तरीके से गरम दूध डाल के पहले इसको मिक्स कर लीजिएगा। पैकेट वाली की जगह आप घर की जमी हुई दही का अगर बनाएंगे ना एकदम गाढ़ा जामुन लोगे तो आपकी दही भी एकदम गाढ़ी बनेगी। तो ये एक ट्रिक है, तो इस ट्रिक को भी आप फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा जामुन मैं और ले रही हूँ, और क्योंकि ये दही ठंडी होती है अगर रूम टेम्परेचर पे आप रखोगे, अब जमाने से पहले ना इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना, फ्रिज की ठंडी दही मत यूज कीजिएगा। अब देखिए जिस बर्तन में हमें जमाना है ना वो बर्तन ले लेंगे इस तरीके से। तो मिट्टी के बर्तन में जो दही है ना वो बहुत ही बढ़िया जमती है। राधे राधे, रेखा जी जुड़ी हैं, मोहिनी जी हेलो लिख रही हैं, रागनी जी लिख रही है नाइस मेथड। तो जिस बर्तन में आप जमाना चाहते हो ना उस बर्तन को आप ले लीजिएगा, और मैंने हाथों पे थोड़ी सी दही ले ली है और इसके चारों तरफ ना इस तरीके से
दही को लगा लीजिएगा। तो ये ट्रिक भी आप जरूर काम में लाइएगा, ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। दही जमाने के लिए सारे बर्तन के ऊपर आप स्टील में जमाओ, स्टील के पतीले में, या फिर आप अगर मिट्टी के बर्तन हैं तो आप इस तरीके से मिट्टी के कटोरे बर्तन में दही डाल के जमाइए, एकदम बढ़िया दही जमेगी। तो अब देखिए हम इसमें दूध डाल देंगे। तो ये गुनगुना से थोड़ा ज्यादा गर्म दूध है, कई लोग बहुत सारे ट्रिप आजमाते हैं, जैसे कि कंबल में लपेट के रखते हैं या फिर किसी गर्म जगह पे रखते हैं, बट कई बार फिर भी वो रिजेक्ट नहीं कर पाता, 8 से 10 घंटे रखने पड़ते हैं। तो आप गर्मियों में जैसे 3-4 घंटे में दही जमा लेते हो ना, तो आज वही मैं आपके लिए नुस्खा लेके आई हूँ कैसे आप सर्दियों में भी बस 3-4 घंटे में दही जमा सकते हो। और दही खट्टा हो या मीठा हो, उसके जो जामन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए दोनों में ना मैं थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूँ, एक एक छोटी चम्मच जितना। तो अगर आप खट्टा जामन लोगे तो दही जो है आपकी खट्टी जमेगी, अगर आप फ्रेश दही का यूज करोगे तो दही जो है ना थोड़ी हल्की मीठी बनेगी, मतलब खट्टी नहीं जमेगी। तो जामन का फर्क होता है, और आप जामन गाढ़ा डालोगे तो दही भी एकदम गाढ़ी जमेगी। तो ये देखिए दही को मैंने यहाँ पे रख दिया है जमने के लिए। अब जो इसको हम बाहर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बाहर का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसके जमाने की मैं आपको 2 टिप्स बता रही हूँ। एक पहला जो तरीका है ना उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ना कुकर में पानी गर्म कर लिया है, और पानी को हमें उबाल लेना है। उबालने के बाद मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत काम की रेसिपी लेके आई हूँ आज मैं दही जमाने की। तो यहाँ पे ना हमने दही जो रखे थे ना जमने के लिए, इसके ऊपर हम इस तरीके से फॉइल पेपर लगा देते हैं, इस तरीके से कवर कर देंगे। फॉइल पेपर से क्या होता है, ये काफी देर तक गर्म होता है, तो इसलिए हम इसको फॉइल पेपर से ही ढकेंगे। तो दोनों को मैंने यहाँ पे ढक दिया है। अब देखिए इसको जमने के लिए हमें रखना है, तो यहाँ पे मैंने जो कुकर में पानी गर्म किया है ना इसके अंदर हम डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसको प्लेस कर देना है कुकर में, और कुकर में रख के ना हमें इसकी ढक्कन लगानी है, तो हमें इसका सीटी नहीं लगाना है। देखिए सीटी मैंने निकाल दी है, रबड़ आप लगी रहने दे सकते हैं, और गैस बंद है हमारी, और ऐसे ही हम इसको ढक्कन को लगा देंगे बस इस तरीके से। और आप 3-4 घंटे बाद देखिएगा दही है ना एकदम बढ़िया गाढ़ी जम के तैयार हो जाएगी, मतलब पूरे प्रॉपर 3 घंटे में ना ये जम जाती है, आपको पूरी रात छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो दूसरी ट्रिक है ना जमाने के लिए दही को, उसके लिए आपको लेना है आटा। तो जो हमारे आटे का डब्बा होता है उसी में हमें ये दही को जमने के लिए रखना है। तो आटे के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बहुत ज्यादा देर तक गर्म रहती है, तो इसलिए आप मैंने जो यहाँ तैयार कर रखा है दही को जमने के लिए, तो उसको इस तरीके से दबा के थोड़ा सा अंदर इस तरीके से रख देना है। तो ये मेरा सबसे ही बेहतरीन बेस्ट तरीका है, मैं कुकर से भी ज्यादा प्रेफर करती हूँ आटे में रखना, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा मेंटेन रहता है, गर्म रहता है। तो इसलिए कई बार आप कच्चे टमाटर वगैरह भी लेके आओ ना तो आप उसको धो के साफ करके आटे में रख दो तो वो पक जाते हैं। तो आटा बहुत ही काम आता है दही को जमाने के लिए। तो आप आटे के डब्बे में इस तरीके से रख दीजिएगा, और
बस 3-4 घंटे में ना दही जम के तैयार हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था दही, तो इस तरीके से मैंने आटे के अंदर ही रखा था और एकदम देखिए गाढ़ी दही जम के तैयार हुई है, जैसे हलवाई लोग जमाते हैं ना वैसी दही ये हमारी जम के तैयार हुई है। तो आप भी इसी ट्रिप को फॉलो कीजिएगा, दोनों ही टिप बहुत ही कारगर है और बहुत लोग हॉटकेस में भी जमाते हैं, अगर वैसे अगर जम जाती है तो बढ़िया है, बट हॉटकेस में भी दिक्कत होती है, टाइम लगता है। अगर आप कम टाइम में अच्छी दही जमाना चाहते हो गाढ़ी मलाईदार, तो ये टिप को फॉलो कीजिएगा। चरणजीत जी जुड़े हैं, सुपर लिख रहे हैं, थैंक यू। रागनी जी लिख रही है हॉट केस में हम लोग रख देते हैं 3 आवर में, 3 घंटे में मतलब दही रेडी हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर आप वैसे बनाना चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, जिनके पास हॉट केस नहीं है अगर, तो ये ट्रिक को आजमा सकते हैं। सविता सिन्हा जी बहुत बढ़िया लिख रही हैं, थैंक यू। हित वृंदा जी, श्री राधे आपको, हर्ष जी जुड़े हैं, वेरी नाइस लिख रहे हैं। तो मैंने आपको देखिए दोनों ट्रिप बता दी दही जमाने की, आप जो भी आजमाना चाहे आजमा सकते हैं, आज के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसको ना हम दही हमने डाल दिया है तो हम ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बस बहुत ज्यादा हिलाना नहीं होता, आप इसको एक जगह पे रख दीजिएगा। और यहाँ देखिए हमने जो दही जमाई है यहाँ पे, कितनी बढ़िया गाढ़ी दही जमी है। तो इस तरीके की दही खाना अगर आपको पसंद है ना, तो मेरी टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा और दही जमा के देखिएगा। हेमा जी गुड लिख रही हैं, ललिता जी मुंबई से देख रही हैं, सुपर लिख रही हैं, थैंक यू। रागनी जी नाइस मेथड लिख रही हैं, थैंक यू। रीता जी जुड़ी हैं कैलिफोर्निया से, थैंक यू रीता जी। रचना जी हेलो लिख रही हैं, थैंक यू। रेखा जी राधे राधे आपको, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थी मेरी आज की कमाल की किचन टिप्स, जिसमें मैंने दही जमाने की आपको विधि बताई है। अगर सर्दियों में कैसी भी दिक्कत होती है, आपको दही नहीं जमती है और आपको पैकेट वाली दही खानी पड़ती है, तो पैकेट वाली दही ना खाकर आप घर में ही दही जमाइए, एकदम बेहतरीन किफायती तरीके से आप दही जमा सकते हो और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप दोनों टिप आजमाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी दही कैसी जमे। तो आप लोग नए हैं अगर पेज पे हमारे, तो फॉलो कर लीजिएगा हमारे पेज पे, रोजाना मैं लाइव रेसिपीज लेके आती हूँ, तो आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक दिया है मैंने, आप सब फॉलो कर लेना व्हाट्सएप पे, ताकि रोजाना लाइव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। सरोज जी लिख रहे हैं अच्छी है, रितु जी हाय लिख रही हैं, विश किशन जी ओडिशा से जुड़े हैं, थैंक यू। सादिया जी गुड टिप लिख रही हैं, थैंक यू सादिया जी, थैंक यू सो मच दोस्तों आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरी इस खास टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा अगर अगली बार आप दही जमाने जा रहे हो तो, और ये महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने दोस्तों घर वालों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई लाइव वीडियो में, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जिनके भी कमेंट्स रह गए हैं बाद में मैं लिख के जरूर रिप्लाई करूंगी, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।